आज हर व्यक्ति की इच्छा है मैं भी एक बार अयोध्या धाम का दर्शन करूं। ये हमारा सौभाग्य है कि प्रभु की सेवा में हम सबको यहाँ पर अयोध्या धाम के लिए कुछ कर गुजरने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। इसलिए जन्म और जीवन को धन्य करने वाला इस अवसर से हम सबको किसी भी स्थिति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। अयोध्या को भव्यतम भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन आने वाले श्रद्धालु जो कोई भी आए वह इससे प्रभावित होकर के जा सके, इस विश्वास के साथ मैं आज यहाँ पे जो बसेज इन इलेक्ट्रिक बसेज को ई ऑटो को यहाँ पे आज शुभारंभ किया जा रहा है, इसमें और अभिवृद्धि करने और अच्छा करने, इनके रूप निर्धारित करने और इन सभी कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप अयोध्या धाम को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलानी है। आज सुबह हमने यहां आकर के स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया, इसके साथ ही पूरे प्रदेश में अयोध्या के साथ साथ प्रदेश में आज से लेकर के 21 जनवरी तक स्वच्छता का विशेष अभियान चलेगा। गांव हो या शहर, गली मोहल्ले हो या कोई सरकारी कार्यालय, भव्य भवन हो, कहीं भी पूरी सफाई साफ सफाई की व्यवस्था करना, हर देव मंदिर में 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी तक अखंड रामायण का पाठ है, राम नाम संकीर्तन का कार्यक्रम आयोजित करना। 22 जनवरी को जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से अयोध्या धाम में प्रभु राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए होंगे, इस कार्यक्रम की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जब संपन्न हो रहा होगा, तो इस अवसर पर हम सब एक बात को जरूर सुनिश्चित करें और वह कि इस अवसर पर हम उस कार्यक्रम को लाइव देखें। मेरी अपील होगी उन सभी से जो अयोध्या आने के इच्छुक हैं, अयोध्या नव निर्माण के दौर से गुजर रही है, काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बदल यहां का चेंज हुआ है और भी अभी चेंज कर होने की प्रक्रिया में है। जब जिसको यहां पे बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, उस दौरान आए तो उनको भी असुविधा नहीं होगी और यहां व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को भी असुविधा नहीं होगी। 22 के पहले कोई भी वीवीआईपी या वीआईपी मूवमेंट न हो तो अच्छा होगा, क्योंकि सुरक्षा का है, व्यवस्था का है, दर्शन का है, इन सब में कठिनाई होगी। वहां भी काम लगा हुआ है, हर जगह लोग लगे हैं, युद्ध स्तर पर पूरी टीमें लगी हुई हैं, वे सभी लोग इसके साथ जुड़े और जो कार्यक्रम दिया गया है घर में हो या गांव में, शहर में हो या किसी पाठशाला में या मंदिर में, देव मंदिरों में, हमें हर जगह खंड रामायण का पाठ राम नाम संकीर्तन के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना और 22 तारीख को जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से प्रणाम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा होगा, उस कार्यक्रम को लाइव देखना। जो लोग वहां पे ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रित किए गए हैं वे लोग वहां पे मौके पे आएंगे, जो उस दिन नहीं आ पा रहे हैं वे लोग टेलीविजन से या देव मंदिर में लगे हुए स्क्रीन के माध्यम से इस दृश्य को देखें, उसका अवलोकन करें, भव्य दर्शन करें, देखें, जन्म और जीवन को धन्य करें और फिर जब अवसर मिलता है अयोध्या धाम आकर के प्रभु का दर्शन करें, हमें उनके स्वागत करने में प्रसन्नता होगी। और मैं इस अवसर पर आप सबका आह्वान करूंगा, हम सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से नगर विकास विभाग और नगर निगम अयोध्या को इलेक्ट्रिक बसेज लॉन्च के इन कार्यक्रम में, ई ऑटो को लॉन्च करने के इस कार्यक्रम में हृदय से उन्हें धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है कि प्रशिक्षित उनके जो चालक और परिचालक दल के सदस्यों के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधा मिलेगी। 22 के कार्यक्रम को भी हमें इस रूप में लेना है कि बसेज जाए, नंबरिंग दे दें उनमें, अलग अलग रूट के अलग अलग नंबर, और उनको सुनिश्चित करवाएं कि कौन किस बस से जाएगा, किस रूट पे जाएगा,
अभी से इसकी प्लानिंग होनी है, तो उसको तैयारी करने के लिए अभी से हम व्यवस्था कर लें। इस विश्वास के साथ मैं यहां पे टूरिस्ट विभाग को भी, नगर निगम को भी और अयोध्या के अपने सभी मान्य जनप्रतिनिधियों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि मैंने अयोध्या को सजाने संवारने में अपनी पूरी ताकत लगाई है और पूरी ऊर्जा के साथ प्रशासन के साथ, शासन के साथ समन्वय बनाते हुए यहाँ के कार्मिकों की उत्साह को अभिवृद्धि करते हुए, अभिवर्धन करते हुए, आगे बढ़ाते हुए इस पूरे कार्यक्रम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, आप सबको मकर संक्रांति की मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के प्रति भी मेरी मंगलमय शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय सीताराम।